हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, इग्नू की तरफ से जून 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आपका हॉल टिकट रिलीज कर दिया गया है। बट इस हॉल टिकट को रिलीज करने के बाद फ्रेंड्स, इग्नू स्टूडेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम फेस हो रही है। सो अगर आपको भी अपने हॉल टिकट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है, सो इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम इग्नू स्टूडेंट्स को हॉल टिकट में फेस हो रही है और उनके क्या क्या सॉल्यूशन है, सो पूरी वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपको शेयर करने वाली हूँ सभी सॉल्यूशन। सो अगर आपके भी हॉल टिकट में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए। फ्रेंड्स, इग्नू की तरफ से टाइमली आपका हॉल टिकट तो रिलीज कर दिया गया है, बट बहुत सी प्रॉब्लम इसमें स्टूडेंट्स को फेस हो रही है। सो वन बाय वन हम बात करेंगे फ्रेंड्स। सबसे मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट को फेस हो रही है फ्रेंड्स, हॉल टिकट रिलीज नहीं हुआ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका हॉल टिकट इग्नू की तरफ से अभी रिलीज नहीं हुआ। जब आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आपका हॉल टिकट दिखना चाहिए, बट अगर इस तरह से आपका हॉल टिकट नहीं दिख रहा है, या तो आपको कुछ एरर आ रहा है या फिर आपको एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड बताया जा रहा है, सो फ्रेंड्स ये एक प्रॉब्लम है। सो इसके कारण क्या हो सकते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे इसके रीजन पे। सो जब आपने अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, सो फ्रेंड्स आपको चेक करना है कि क्या आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हुआ था, क्या आपने चेक किया था उसकी फीस जनरेट हुई थी, पेमेंट प्रॉपर हुई थी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जामिनेशन फॉर्म जब फिलअप करते हैं, फी सबमिट करते हैं, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया और फी सबमिट हो गई, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। तो आपको ये जरूर चेक करना है। उसके लिए फ्रेंड्स आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ये पोर्टल अभी ओपन है ओनली फॉर चेकिंग। जितने भी स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया था वो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का स्टेटस चेक कर सकते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो टाइमली अपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, 2nd of May तक ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे, उन सभी स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है। फ्रेंड्स अगर आपने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म ही अभी तक फिलअप नहीं किया तो आपका हॉल टिकट रिलीज नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स आप ऑफलाइन किस तरह से अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसकी डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ये वीडियो देख सकते हैं ताकि आपकी सभी क्वेरीज सॉल्व हो जाए और आप टाइमली अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकें। सो जो मेजर रीजन है फ्रेंड्स वो ये हो सकता है कि आपने जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया है वो नहीं हुआ है ठीक से, या फिर आपने अभी तक किया ही नहीं है। सो उसका क्या सॉल्यूशन है फ्रेंड्स, उसका सॉल्यूशन है आपको ये चेक करना है कि क्या आपने फी पेमेंट की है और आपने एग्जामिनेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया है। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किया है, स्टिल आपका जो हॉल टिकट है वो रिलीज नहीं किया गया है इग्नू की तरफ से, सो फ्रेंड्स ये एक प्रॉब्लम है। सो इसका सॉल्यूशन है आपको इग्नू को फ्रेंड्स मेल सेंड करनी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इग्नू में आपको मेल सेंड करनी होगी term&exam@ignu.ac.in, ये ईमेल आईडी है फ्रेंड्स। इस ईमेल आईडी पर आप ये ईमेल सेंड करेंगे जो फॉर्मेट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो ये फॉर्मेट आप एज इट इज यूज कर सकते हैं, इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी डिटेलिंग्स फिल करेंगे जहाँ पर भी आप ब्लैंक्स देख रहे हैं। सो सबसे पहले सब्जेक्ट में आप लिखेंगे हॉल टिकट नॉट रिलीज्ड। रेस्पेक्टेड सर और मैम, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इग्नू परसुइंग प्रोग्राम नेम एंड प्रोग्राम कोड विद एनरोलमेंट नंबर। आई हैव सबमिटेड माई एग्जाम फी ऑन डेटेड। सो आप यहाँ पर डेट लिखेंगे कौन सी डेट को आपने एग्जाम फी सबमिट की थी। येट माई हॉल टिकट इज नॉट रिलीज टिल डेट, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू रिलीज माई हॉल टिकट एज सून एज पॉसिबल सो दैट आई मे अपीयर इन जून 2024 एग्जामिनेशन। एंड आप अपने एक्नॉलेजमेंट स्लिप को भी इसमें अटैच करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको अटैच करेंगे इस ईमेल के साथ। सो जो मेजर प्रॉब्लम है आपकी हॉल टिकट नॉट रिलीज की वो सॉल्व हो जाएगी, आपका हॉल टिकट इग्नू की तरफ से जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप अपना नेम और डेट भी मेंशन करेंगे और आप इसे वर्किंग आवर्स में ही सेंड कीजिएगा ताकि जो आपकी ईमेल है उस पर जल्दी एक्शन लिया जाए और आपका हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को फेस होती है हॉल टिकट नॉट रिलीज, उसका सोल्यूशन है और प्रॉब्लम क्यों है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है फोटोग्राफ नॉट अवेलेबल। जब आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड करते हैं तो फ्रेंड्स आपको राइट हैंड साइड में फोटोग्राफ का ऑप्शन दिया जाता है। सो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स की फोटोग्राफ है, कुछ स्टूडेंट की फोटोग्राफ नहीं है। सो जितने भी स्टूडेंट्स की फोटोग्राफ नहीं है आप पैनिक ना करें फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन मैंने हमेशा आपको बताया है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर चिपकाना है, पेस्ट करना है, ग्लू से आप पेस्ट कर लीजिए इसका प्रिंट लेने के बाद, और फिर आप इसको सेल्फ अटेस्ट कर लीजिए। आपको इसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना फ्रेंड्स। हो सकता है किसी भी रीजन से फोटोग्राफ नहीं है, बट आप सिंपली इस पर अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट कर लीजिए और आपको अलाउ कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन में ये हॉल टिकट यूज करने के लिए। सो ये दो मेजर प्रॉब्लम है स्टूडेंट को फ्रेंड्स। थर्ड प्रॉब्लम की जो बात करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के लिए, सेम डे या फिर सेम सेशन में एग्जामिनेशन। सो जैसे कि इग्नू के एग्जामिनेशन दो सेशन में होते हैं फ्रेंड्स, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। सो सुबह 10 o'clock से आपका मॉर्निंग सेशन होता है एंड 2 o'clock से आपका आफ्टरनून सेशन होता है। सो जितने
भी स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स, उनका अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है, मतलब सेम डे पर है, सबसे पहले हम बात करेंगे सेम डे की. सो सेम डे पर अगर आपका एग्जामिनेशन है तो फ्रेंड्स आप एग्जामिनेशन की अगर प्रिपरेशन कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर अपीयर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जो 10 o'clock से 1 o'clock का समय दिया गया है, तो उसके बाद आपके पास 1 hour होगा जिसमें आप 2 to 5 o'clock अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं. सो अगर आपकी प्रिपरेशन हो जाती है तो आप दोनों एग्जामिनेशन दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व अगर बात करें सेशन की तो वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सेम सेशन में 2 बार एग्जाम नहीं दे सकते, 2 एग्जामिनेशन हॉल में आप अवेलेबल नहीं हो सकते. वो आप ऐसा ना करें. अगर आपको अपना एग्जामिनेशन का रिजल्ट डिक्लेयर करवाना है तो आप कोई भी एक एग्जाम दीजिए. अगर आपका क्लैश वैलिड है तो आप इग्नू में मेल सेंड कर दीजिए, अगर वैलिड नहीं है तो फ्रेंड्स आपको एक एग्जाम स्किप करना ही होगा. वो आप नेक्स्ट सेशन में ही अब एग्जामिनेशन देंगे जब डिसम्बर टर्म एंड एग्जामिनेशन होंगे, जब आप दे सकते हैं. सेम डे है, प्रिपरेशन हो जाती है तो वेल एंड गुड है, एग्जामिनेशन दीजिए. अगर सेम सेशन है तो एक एग्जामिनेशन एनी हाउ स्किप होगा ही होगा, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते. अब लास्ट प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, दैट पोर्टल इज नॉट वर्किंग. यस फ्रेंड्स, जब आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए जब आप पोर्टल ओपन करते हैं या इग्नू की वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो ओपन नहीं होती. ये भी एक बिग प्रॉब्लम है फ्रेंड्स. जैसा कि अभी एग्जामिनेशन टाइम है तो इग्नू की वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक रहता है, सो इस वजह से इग्नू की वेबसाइट कई बार ओपन नहीं होती. करंटली भी ये फ्रेंड्स मैंने 2 to 3 times वेबसाइट ओपन की है जब वेबसाइट ओपन हुई है, या डायरेक्टली आप गूगल में लिख सकते हैं इग्नू हॉल टिकट June 2024, सो आपके सामने ये डायरेक्ट लिंक आ जाएगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. अदरवाइज ये डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से इसे ओपन कीजिए और अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिए. यहां पर आपको अनुक्रमांक, एनरोलमेंट नंबर लिखना है और ड्रॉप बॉक्स से अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर आप अपना हॉल टिकट इजिली डाउनलोड कर सकते हैं. सो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट्स को फेस हो रही है. मैंने इन सभी प्रॉब्लम्स को आपके साथ डिस्कस किया और आप सभी को इनके सॉल्यूशन देने की भी पूरी कोशिश की है. आई होप ये वीडियो आपके लिए जरूर इन्फॉर्मेटिव रही होगी. फ्रेंड्स जैसा कि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ चुके हैं और आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए बेस्ट हेल्पबुक चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं gulibaba.com. यहां पर आपको मेन्यू बार में इग्नू हेल्पबुक का ऑप्शन नजर आएगा, जहां पर आप सभी प्रोग्राम्स देख सकते हैं जिसमें डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट सभी प्रोग्राम्स इंक्लूडेड हैं. सो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग यहां से परचेज कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन को बेहतरीन तरीके से पास कर सकते हैं. सो नाउ आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड.